दिल्ली दे मुख्यमंत्री अते आप दे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर विखे वकीलां दे नाल मुलाकात कीती है। इस दौरान जिथे उन्हां ने वकीलां दीआं समस्यावां नूं सुणिआ, उत्थे ही वकीलां नूं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करन दा वी सद्दा दित्ता। वकीलां नूं संबोधन करदे होए अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं इत्थे कोई दो चार वादे करन नहीं, सगो तुहाडे नाल रिश्ता बनाउन लई आया, तुहाडा छोटा भरा बनन लई आया। इसे नाल ही केजरीवाल ने दो वड्डियां गरंटियां दिंदे होए वकीलां दे लई मेडिकल इंश्योरेंस अते चैंबर बनाउन दा वी ऐलान कीता। उत्थे ही अरविंद केजरीवाल होर की कुछ कह रहे ने, आओ सुनते हैं। पंजाब के कोने कोने से आए हुए सभी वकील भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, सबको सत श्री अकाल। हमारी दिल्ली में सबसे पहले 2013 में सरकार बनी, 28 सीट आई थी हमारी, 49 दिन की सरकार चली, फिर दोबारा चुनाव हुए एक साल बाद, दोबारा चुनाव में 70 में से 67 सीट आई। उस चुनाव में सबसे ज़्यादा मदद या सबसे बड़ा रोल वकीलों ने किया था दिल्ली के अंदर, वकीलों की वजह से हम वो चुनाव जीते थे। मैं बताता हूं कैसे। 8 फरवरी को चुनाव था, 20 जनवरी के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान करा कि किरण बेदी उनकी सीएम उम्मीदवार होंगी। किरण बेदी जी से वकीलों की पुरानी दुश्मनी थी। किरण बेदी ने वकीलों पे एक बार बहुत बुरी तरह से डंडे बरसाए थे, तो वकील भूले नहीं थे। तो पूरे दिल्ली के वकील इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि हम इस बार बीजेपी को हराएंगे, आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। सारे वकील इकट्ठे हो गए, पर दिल्ली के वकीलों ने अपने सारे क्लाइंट्स को फोन करे, अपने अपने गली मोहल्ले में गए। वकील बोलते तो अच्छा ही है, जैसे कोर्ट में खड़े होकर इतना अच्छा बोलते हैं तो भाषण भी अच्छे देते हैं वकील सारे। तो उन्होंने शानदार तरीके से कैंपेन करा और 70 में से 67 सीट आम आदमी को दिला दी। तो ये कहा जाता है कि जिस राज्य में जिसके साथ वकील खड़े हो जाएं, उस पार्टी का जीतना निश्चित होता है। और किरण बेदी को उसकी विधानसभा में उसके हल्के में हराने वाला भी आम आदमी पार्टी का एक वकील ही था। जीतने के बाद हम भी वकीलों को भूले नहीं, हमने जो जो वादे किए थे हमने सारे वादे एक 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 करके सारे वादे उनके साथ पूरे किए। वकीलों के पास सीधे सीएम का फोन नंबर है, किसी को कोई दिक्कत होती है वो मेरे को एसएमएस कर देता है, वो मेरे को फोन कर लेता है, उनकी एसोसिएशन वाले फोन कर लेते हैं, बार काउंसिल वाले फोन कर लेते हैं। सबसे बड़ा काम अभी हमने किया 2 साल पहले, दिल्ली के सारे वकीलों का हमने मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया है और उनके परिवार के लोगों का। दिल्ली के सारे वकीलों का हमने लाइफ इंश्योरेंस करा दिया है। और ये कोई ना कोई कुदरत का खेल था, 2 साल पहले हम लोगों ने दिसंबर के महीने में ये स्कीम पास हुई, सारे वकीलों का रजिस्ट्रेशन हो गया, और कुछ किस्मत का खेल था कि फरवरी में कोरोना आ गया। दिसंबर तक नहीं पता था कि कोरोना आएगा, फरवरी में कोरोना आ गया। इस कोरोना के दौरान लगभग 130 वकीलों की मौत हो गई कोरोना से, बड़ा दुख की बात है। लेकिन उस स्कीम की वजह से हर परिवार को 10-10 लाख रुपए मिल गए जिनको हमने लाइफ इंश्योरेंस कराया था। 130 वकीलों को 13 करोड़ रुपए लाइफ इंश्योरेंस के मिल गए। मुझे नहीं लगता पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य की सरकार ने अपने वकीलों के लिए काम किया है। फिर हमने उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवाया था। 1150 वकीलों को जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनको मेडिकल इंश्योरेंस का पैसे से उनको फायदा हुआ, उन्होंने अपना, उनको कुछ नहीं देना पड़ा, मेडिकल इंश्योरेंस से सारा। 1150 वकीलों को लगभग 9 करोड़ रुपए मेडिकल इंश्योरेंस से उनको फायदा हुआ। तो अभी ठंड साहब कह रहे थे जी सरकार आपकी बनेगी आप भूल मत जाना, हम
यहां पे दो चार वादे करने नहीं आए, मैं भी आपसे ले लेता, हाँ जी आपकी क्या क्या डिमांड है, अच्छा एक लॉयर्स कॉम्प्लेक्स बनाना है बना देंगे, एक हाई कोर्ट की बेंच बनानी है बना देंगे, आपकी इंश्योरेंस करनी है कर देंगे, मेडिकल इंश्योरेंस करनी है कर देंगे, स्टाइपेंड देना है दे दे, ये सब मैं कह सकता था, कह दिया। आज मैं आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए आया हूं। आपके घर में आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, जो मर्जी समझ लिए, आपका भाई बनने के लिए आया हूं। और आपके घर में कोई दिक्कत आएगी, आपके प्रोफेशन में कोई दिक्कत आएगी, वो दिक्कत हमारी है, हम सॉल्व करेंगे। ये जो आपने तीन चार प्रॉब्लम बताई हैं, ऐसा नहीं कि ये तीन चार प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो सारे वकील बल्ले बल्ले हो जाएंगे, और प्रॉब्लम आएंगी, जिंदगी है कि नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। हमारी सरकार बनेगी तो याद रखना, हम हैं, सरकार आपकी है।